नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर, देखते रहिए। भारत सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर पर ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, स्वच्छता एवं रख रखाव, तालाब सौंदर्यीकरण सहित तमाम योजनाओं के बारे में काका उत्तम सिंह ने प्रकाश डाला। तो वहीं हर विभाग से वहां जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य के विषय में डॉक्टरों द्वारा स्वास्थ्य के विषय में बताया गया, पशु चिकित्सा अधिकारी ने भी बताया। इसके साथ साथ श्रम विभाग से आए अधिकारियों ने भी भारत सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला। इस प्रकार आप देख सकते हो किस प्रकार बड़ी संख्या में ब्लॉक बरौली अहीर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य मौजूद रहे और सभी ने काका उत्तम सिंह एवं सभी पदाधिकारियों के विचारों को सुना। तो वहीं अपने क्षेत्र की समस्याओं को काका उत्तम सिंह एवं कैबिनेट मंत्री एवं आगरा ग्रामीण की विधायक बेबीरानी मौर्य के प्रतिनिधि यशपाल राणा एवं पुत्र अवनय भी मौजूद रहे और उन सभी ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपने क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं मांगी। तो वहीं जिन ग्राम पंचायतों में काम चल रहा है उनकी भी चर्चा की। इस प्रकार आप तस्वीरों में देख सकते हो किस प्रकार यहां भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं हर घर तक नल, हर घर तक जल जैसी अनेक योजनाओं पर प्रकाश डाला। क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की होने वाली परेशानियों को भी सभी लोगों को अवगत कराया। ग्राम पंचायत टोरा में एक जर्जर टंकी काफ़ी समय से लटकी हुई है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। उसका प्रस्ताव क्षेत्र पंचायत सदस्य अनु बघेल द्वारा बनाकर दिया गया। तो वहीं कुठावली के क्षेत्र पंचायत सदस्य सत्यवीर सिंह चाहर के द्वारा भी अपने गांव में होने वाले विकास कार्यों के लिए वहां प्रस्ताव बनाकर दिया गया। इसके साथ साथ श्यामों के क्षेत्र पंचायत सदस्य ने भी अपने गांव के प्रस्ताव के लिए मांगा। तो आप बात करते हैं आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत रोहता की, जहाँ क्षेत्र पंचायत सदस्य ने शमशान घाट एवं तालाब के सौंदर्यीकरण की बात कही। उनका कहना है कि तालाब पर अवैध अतिक्रमण हो रहा है, जिसे शीघ्र से शीघ्र हटाया जाए। इस प्रकार के अनेक प्रस्ताव आए, जिसमें काका उत्तम सिंह ने सभी को कहा है कि बहुत जल्द इस पर विचार किया जाएगा और सभी की समस्याओं को समाधान किया जाएगा। इस प्रकार सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से उन्होंने प्रस्ताव लिए और विकास कार्यों को पूर्ण कराने की बात कही। विकास के लिए क्षेत्र पंचायत की बैठक का आयोजन किया गया। ये इस वर्ष की 2022 की प्रथम बैठक थी। ये माननीय प्रधान और BDC सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस योजना में पुराने कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की गई और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, आपकी विकलांग पेंशन है, आपकी महिला पेंशन है इत्यादि और योजनाओं के बारे में बताया गया। इसके साथ साथ विभिन्न कार्यालयों से आए, पशुधन विकास कार्यालय से आए और हमारे मतलब विभिन्न विभागों से आए कर्मचारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। कृषि विभाग से आए कृषि अधिकारियों द्वारा विभिन्न कृषि योजनाओं पर प्रकाश डाला गया। ज़्यादा है आज की बैठक में किस प्रकार के प्रस्ताव ज़्यादा है? आज की बैठक में अधिकतर प्रस्ताव नाली निर्माण, खरंजा निर्माण और पानी से संबंधित आए, जिसमें हमने बहुत से स्थानों पर, बहुत से करीब अपनी पंचायतों में, करीब हर गाँव में, 55 ग्राम पंचायत हैं, करीब हर गाँव में हमने पानी की टंकी और समर्थन लगा रखी है और हर गांव में करीब खरंजा निर्माण, सीसी निर्माण का कार्य कराया जा चुका है और आगे भी जो प्रस्ताव पास हुए हैं आगे की कार्य योजना में डाल करके उन पर भी आगे कार्य शुरू करने का पूर्ण कार्य चालू हो जाएगा। ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत बैठक कार्य योजना अप्रूव करने के लिए बैठक रखी गई है, जिसमें जितने क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, प्रधानगण हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव लेकर के आते हैं। बैठक में जितने प्रस्ताव आए होंगे उनको अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए आगे विकास के लिए उन सब प्रस्तावों को लेकर के विकास कार्य कराएंगे। आप प्रतिनिधि भी हैं, ऐसे
आगरा ब्लॉक के खिलाफ समर्पित है। जो जल भराव की समस्या है किस तरीके का काम कई कई जगह से चाहे पंचायत सदस्यों के माध्यम से माननीय प्रधानों के माध्यम से जो प्रस्ताव जहाँ जो समस्याएं थी वो विभागीय स्तर पर कौन सी समस्या का नाला कहाँ से बनना है या तालाब खुदाई से किस समस्या का समाधान हो सकता है इस तरीके से कार्यों का वर्गीकरण किया है और जो समस्या जिस स्तर की है उसी तरीके से उस विभाग में हम लोग प्रस्ताव भेज रहे हैं। वैसे आज यहाँ किस प्रकार की समस्या ज़्यादा आई है? अभी तो लोग प्रस्ताव दे रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को नाली खरंजा और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। लोग चाहते हैं कि प्रत्येक गली मोहल्ले में आ चुका है, गर्मी का मौसम भी है तो सबमर्सिबल से लेकर हैंडपंप की समस्या सबसे ज़्यादा। देखिए आज ब्लॉक बरौली आई हूँ मैं, खेत पंचायत सदस्य प्रधानों की बैठक ब्लॉक प्रमुख आदरणीय उत्तम सिंह काका की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और कई विषयों पर विकास कार्यों पर चर्चा की गई। लेकिन आज तक के इतिहास में जनपद आगरा में बरौली हिल ब्लॉक में एक साल के अंदर जितना कार्य उत्तम सिंह काका ब्लॉक प्रमुख जी ने कराया है उतना आज तक किसी ने नहीं कराया। प्रत्येक खेत पंचायत सदस्य आज इनसे कुछ खुश है। प्रत्येक गांव में पानी की टंकी सीसी कार्य सुचारू रूप से हो चुके हैं और जारी हैं। अब 4 साल और बाकी हैं, हम इनसे आशा उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। आदरणीय उत्तम सिंह काका बघेले, देखो सर हमारे टोरा में अब मेला लगता है, वहाँ एक टंकी है, बड़ी टंकी है, वो बहुत गंदर हालत में डली हुई है। उसके लिए मैंने कई बार विकास भवन में भी देखे आया हूँ एप्लीकेशन, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद चौधरी गहवान सिंह मंत्री रहे थे, उनसे भी मैंने कई बार शिकायत की, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं। आज मैंने अपने ब्लॉक में, मैं BDC मेंबर हूँ, इसलिए BDC मेंबर होने के नाते मैंने अपने ब्लॉक प्रमुख उत्तम काका जी को भी प्रस्ताव लिख कर दिया है कि हमारे यहाँ इटौरा में टंकी है वो बहुत जर्जर हालत में है, तो वो बता रहे हैं कि मैं कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जर्जर हालत में या तो गिर के तोड़ा ही जाए, उतरनी चाहिए कैसे भी, उतरने के बाद हमारे टोरा में समस्या पानी की सबसे ज़्यादा, और उस पानी की समस्या के लेकर जो प्रधानमंत्री जी की वो चल रही है कि घर घर एक टोंटी लगानी है, वो पानी के नल लगाना है, उसको पूरा करना है और हमारे टोरा में घर घर एक नल लगाना है, बस पानी की समस्या को दूर करना है। झरझर टंकी से क्या आशंका है आपको? उससे हमें सर इसलिए है कि वहाँ मेला है लगता है, बहुत भव्य मेला लगता है, वो वहाँ एक सरिया पर लटक रही है, अगर कोई भी घटना हो सकती है तो उसका घटना होती है तो उसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि हमने कई बार लिख के दिया है उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ भाई, क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत कुठावली सत्यवीर सिंह चाह, आज हमारे इस ब्लॉक भरौली अहिर में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हम लोगों ने अपनी गांव की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। क्या प्रमुख समस्याएं गांव की? हमने कई प्रस्ताव और कई सुझाव इस आज की मीटिंग में रखे, जैसे कि जल समस्या हमारे गांव में जो सुचारू रूप से आज सामुदायिक शौचालय चल रहा है, उस शौचालय में पानी की जो अव्यवस्था चल रही है उसके बारे में हमने अवगत कराया। हमारे ग्राम पंचायत कोठावली में जो पंचायत भवन का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक, उस पंचायत के बारे में अवगत कराया और हमने पानी की जो समस्या जो आज हमारी ग्राम पंचायत कोठावली में चल रही है उसके बारे में हमने अवगत कराया सभी अधिकारियों को और अपने ब्लॉक प्रमुख जी को भी अवगत कराया और हमारे बेबी रानी मौर्य जी के जो आए हुए हमारे बेबी रानी मौर्य के अभिनव मौर्य भैया को भी हमने अवगत कराया। ये सारी चीज़ें अवगत कराते हुए हमने सभी को लिख में दिया है। मेरा नाम सोमी सिंह, आज कौन सा प्रस्ताव दिया आपने? मैंने प्रस्ताव ये दिया है कि मेरे गांव का तालाब जो है किसान लोगों ने घिर रखा है, उसका घेराबंदी करनी चाहिए, तो उसका क्षेत्रफल निकलना चाहिए और क्षेत्रफल निकल के उसका घेराबंदी कराई जाए और वहाँ पे संधान घाट की अधिक समस्या है, सातों बिरादरी सभी जाति के लोग आते हैं मगर वहाँ कोई पैर रखने के लिए जगह तक नहीं है। क्या आश्वासन मिला है फिर आपको? फिर उत्तम काका जी ने और हमें ये बताया कि आपने जो हमें प्रस्ताव दिया है आपको पूरा पूरा आश्वासन देते हैं कि पूरा कार्य कराएंगे,
हमें उनसे उम्मीद है। मैं तुम्हारा कुछ सबसे ज्यादा परेशान है, पानी वगैरह जनता लोग परेशान बहुत, जैसे गाँव मोड़ से रोड साफ चल रहा है और काल वाल तो बहुत वहाँ से समस्या इतनी है कि इतना जनता पर खड़ा नहीं आती भैया। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर पर। ब्लॉक बरौली अहीर पर आज क्षेत्र पंचायत सदस्यों की ब्लॉक प्रमुख काका उत्तम सिंह ने यहाँ बैठक ली, जिसमें भारत सरकार की योजनाओं को पहुँचाने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया, तो वहीं ग्राम पंचायत में होने वाले विकासों पर चर्चा की। उन्होंने बताया है कि जिन गाँवों में विकास कार्य जारी है उन पर समीक्षा की गई, वहीं जिन गाँवों में विकास कार्य होने हैं उन पर भी चर्चा की गई। साथ ही साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बताया है कि उन्होंने अपने अपने गाँव के प्रस्ताव बनाकर ब्लॉक अध्यक्ष को दिए हैं। जोब सिंह सक्सेना, आगरा।